नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार की सियासत में कब हेर फेर हो जाए इसका अनुमान लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, कौन सी पार्टी से कब कोई निकल जाए और कौन से पार्टी में विलय कर जाए और कौन से पार्टी में आकर मतलब यूँ कहें तो मिलना और जुलना लगातार लगा हुआ है। मतलब पार्टी तो छोड़ना ही है, अलग पार्टी भी बनाना है और साथ ही साथ गठबंधन भी करना है। अब देखिए, कुछ दिन पहले की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली पहुँचे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात बहुत ही खास माना जा रहा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2024 यानी लोकसभा और 2025 विधानसभा के चुनाव में ये मिलन और अब यूँ कहें तो गठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पीछे में बैठक के दौरान क्या कुछ बातें हो रही है ये सीधा निशाना अब चुनावी दौर में लगाया जा रहा है। इस बीच में अगर आपको बताएं तस्वीर कल की तो बताएं तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात काफ़ी खास माना जा रहा है। ये भी लगातार कहीं ना कहीं अब ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू की पार्टी से अलग होकर अपना अलग पार्टी बनाकर अब कहीं ना कहीं आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा भी गठबंधन की ओर जाना चाह रहे हैं, यानी एनडीए में मिलना चाह रहे हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में थे तब यूँ कहे तो एनडीए के सरकार में जदयू का जाना और कहीं ना कहीं एनडीए का स्थापित होना, उस समय उपेंद्र कुशवाहा का जो साथ था एनडीए के साथ बीजेपी के साथ वो काफ़ी मजबूत माना जाता था, मतलब एक तरह से दोस्ती मानी जाती थी। और उपेंद्र कुशवाहा का कभी भी भाजपा से आप यूँ कहे तो लड़ाई झगड़े या तनाव वाली स्थिति कभी नहीं दिखी। ऐसे में गठबंधन करना वो बड़ी बात हो सकती है। हालांकि आपको बता दें, आज उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गठबंधन को लेकर कि इस पर हम बैठ के विचार करेंगे, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से साझा करनी है, पर अभी हम इस पे कुछ टीका टिप्पणी या कुछ अपनी बातों को रखना नहीं चाहते। पहले सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। होगी तब हम आपको बुला करके बताएंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, हम उन चीजों को आपसे शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करेंगे। नीतीश कुमार एक तरफ जहां प्रयास कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट लाने के लिए, क्या लगता है कि यह संभव है नरेंद्र मोदी को हरा देना 24 मई? देखिए, इस पर तो हमने कई बार कहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं, क्या नया था उसमें। जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर भी तंज कस रहे हैं। हालांकि वो उनके करीबी माने जाते हैं और वो हमेशा कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार हमेशा मेरे व्यक्तिगत हम दोनों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली दौरे और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना एक बड़ी बात तो मानी जा रही है, पर इस बीच में अगर उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को अगर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट को देखें तो साफ तौर पर गठबंधन का जो जिस तरीके से सभी पार्टी गठबंधन में जुड़ी हुई है, चाहे चिराग पासवान की बात कर ले, चाहे उन्हीं के चाचा की बात कर ले, तो सभी कहीं ना कहीं एनडीए से मिलना चाह रही है, गठबंधन करना चाह रही है और बिहार की स्थिति में फिर से एक नया उछाल देखने को मिल सकता है, ये तो कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल अगर तस्वीर को कहीं विपरीत करके देखें तो नीतीश कुमार से अलग होकर उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि नीतीश कुमार अगर जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद का, तो देखिए बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर हमेशा बने हुए रहेंगे, ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। यानी वैकेंसी तो पूरी तरीके से खाली नहीं है और इसी पर उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली पहुंच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना ये बड़ी बात है और कहीं ना कहीं आगे के दिनों में कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी साफ तौर पर बोलते हुए नजर आए हैं कि हम बैठक करेंगे, आप लोगों से मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे और अपनी बातों को विस्तार से रखेंगे। अभी पटना पहुंचे हैं और अभी हम इस पर कुछ अपनी राय नहीं रखना चाहते हैं, अच्छे से मुलाकात होगी, आप लोगों से प्रेस वार्ता होगी और हम उस पर सभी बातों को क्लियर करेंगे। देखिए, कुछ ही दिनों में अगर देखिए तो तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ऐलान कर देंगे कि वो एनडीए के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।